आईसीआईसीआई एकेडमी फॉर स्किल सेंटर के उद्घाटन समारोह का आयोजन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र चरगामा परिसर में किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी, मंडलायुक्त अमित गुप्ता, आईसीआईसीआई बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनूप बागची सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर आयोजकों द्वारा मुख्य अतिथि का स्वागत स्मृति चिन्ह और अंगवस्त्र देकर किया गया। इस अवसर पर बैंक के पत्रिका का भी लोकार्पण किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आईसीआईसीआई संस्था द्वारा दूसरा केंद्र गोरखपुर में बनाया गया है। पूरे देश में 300 से अधिक इसकी शाखाएं हैं। प्रदेश में इस प्रकार के केंद्र खुलना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, खासकर आईटीआई चरगावा में। सीएम ने कहा कि आईटीआई चरगावा प्रदेश में कौशल विकास मिशन की अग्रणी संस्थाओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के सेंटर बन जाने से निश्चित रूप से नौजवानों को बेहतर मंच मिलेगा और कौशल विकास में प्रशिक्षित होकर रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कुंभ मेले का आयोजन भी किया गया, जो अब समापन की ओर जा रहा है। कुंभ का आयोजन भी स्किल का एक भाग है कि इतने बड़े आयोजन को कुशलतापूर्वक संपादित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 300 से अधिक सरकारी आईटीआई तथा 2800 से अधिक निजी क्षेत्र में आईटीआई व कौशल विकास केंद्र मौजूद हैं, जहां प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में नौजवान प्रशिक्षित होकर आगे निकल रहे हैं। विगत वर्षों से उनके प्लेसमेंट के लिए भी कार्य किया जा रहा है। आईसीआईसीआई जैसी संस्था के जुड़ने में इसमें गति आएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा 2.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी भी दी गई है। इसके साथ ही हजारों करोड़ के निवेश के साथ विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किया गया है। उन्होंने प्रदेश के परंपरागत उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक उत्पाद के तहत 78,000 से अधिक युवाओं को मुद्रा योजना एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत सहायता प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सरकार द्वारा सौभाग्य योजना के तहत 2.5 लाख मजरों में विद्युत कनेक्शन दिया गया है। उन्होंने कहा कि आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न क्षेत्रों में अधिक से अधिक लोगों को प्रशिक्षित कर हुनरमंद बनाने का कार्य करना होगा, जिसमें वे स्वावलंबी बन सकें। मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं श्रीमान अवनीश अवस्थी जी, वे अपना स्थान ग्रहण करके अनुग्रही करें। इसी कार्यक्रम में हमारे आईसीआईसी फाउंडर एवं आईसीआईसी बैंक के रिटेल बिजनेस हेड श्रीमान विशाल बत्रा साहब भी मंच पर उपस्थित हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। छोटी जी उम्मीद की थैंक यू। नौजवान और नौ युवतियां, भाइयों बहनों, मैं आईसीआईसीआई बैंक फाउंडेशन को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने गोरखपुर में अपनी यह दूसरी स्किल इंडिया के ब्रांच को यहां पर खोला है। यद्यपि पूरे देश में स्किल इंडिया के इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए इस फाउंडेशन ने पहले ही 300 से अधिक अपनी शाखाएं खोली हैं, लेकिन गोरखपुर में और प्रदेश में इसका खुलना हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और वह भी गोरखपुर के आईटीआई चरगावा में। आईटीआई चरगावा प्रदेश के वोकेशनल एजुकेशन के और स्किल इंडिया के इस मिशन को आगे बढ़ाने का एक अग्रणी संस्थान है, और इस संस्थान में इस प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के जिससे आईसीआईसीआई बैंक जैसे संस्थान जब आगे आते हैं तो निश्चित ही हम मान सकते हैं कि हमारे नौजवानों के अंदर जो हुनर है उसको एक बेहतर मंच और बेहतर दिशा मिल सकती है। मैं भी यहां जब लोकार्पण कार्यक्रम में देख रहा था
और मुझे अक्सर यह आशंका रहती है कि जब मीडिया आती है और संकट मचता है तो उसके बाद वहां पर रखे हुए गमले टूट जाते हैं, ग्लास के दरवाजे टूटते हैं, बहुत कुछ वहां पर लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन आज मैंने देखा कि हमारे मीडिया के कर्मी भी इसके मीडिया के एक पार्ट बन चुके हैं, जिन्होंने बड़ी सावधानी के साथ इस आईसीआई एकेडमी फॉर स्किल्स की इस एकेडमी का ही एक पार्ट बन करके वास्तव में अपने स्वयं की स्किल का परिचय भी यहां पर दिया है। भाई बहनों, आज शिवरात्रि का पावन पर्व है, पूरे देश के अंदर भगवान भोलेनाथ के प्रति भारत का प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी अपनी श्रद्धा को व्यक्त कर रहा है। उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य में विगत 48 दिनों से प्रयागराज कुंभ के आयोजन को आज सफलतापूर्वक समापन की ओर हम लोग लेकर के जा रहे हैं और मुझे लगता है कि यह भी अपने आप में यूपी के स्किल का एक पार्ट है। इन्होंने अपने हुनर को देश और दुनिया के सामने इतने बड़े आयोजन को कुशलतापूर्वक संपन्न करके उत्तर प्रदेश के उस परसेप्शन को बदला है जिसके बारे में लोग कहते थे कि क्या उत्तर प्रदेश कर पाएगा। और मैंने विगत 2 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर अनुभव किया है कि अपार पोटेंशियल उत्तर प्रदेश के अंदर है, उसको केवल एक राह दिखाने वाला एक उचित मार्गदर्शक हो जाए तो वह बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकता है और कठिन से कठिन लक्ष्य को प्राप्त भी कर सकता है। इससे पहले वाराणसी में 15वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन संपन्न हुआ। देश के अंदर अब तक 15 प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित हुए हैं, जिनमें देश की राजधानी या किसी प्रदेश की राजधानी के बाहर पहली बार हुआ है जब प्रवासी भारतीय दिवस का कार्यक्रम बाहर संपन्न हुआ और उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ, प्रदेश की राजधानी के बाहर हुआ। और अब तक के 15 जो प्रवासी भारतीय दिवस हुए हैं उनमें सबसे सफलतम आयोजन वाराणसी का प्रवासी भारतीय दिवस का हुआ है, जिसमें भी एक बार पुनः उत्तर प्रदेश की प्रतिभा ने स्वयं को साबित किया है कि हम अगर अवसर मिले, उचित मंच मिले तो अपने आप को साबित कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य में ये संभावना इसलिए भी है कि प्रधानमंत्री स्किल मिशन के इस अभियान को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्यों में है। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों के पास स्वयं के राजकीय 300 से अधिक आईटीआई हमारे पास मौजूद हैं और लगभग 2800 से अधिक निजी क्षेत्र के आईटीआई और स्किल इंडिया से जुड़े हुए, स्किल मिशन के साथ जुड़े हुए इस प्रकार के केंद्र निजी क्षेत्र में भी मौजूद हैं। प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में हमारे नौजवान इन केंद्रों से प्रशिक्षित होकर के आगे निकलते हैं और विगत 1.5-2 वर्ष के दौरान जो प्रयास प्रारंभ हुए इसमें केवल उन्हें प्रशिक्षण ही नहीं बल्कि उनका उचित प्लेसमेंट भी हो इसकी भी एक व्यवस्था प्रारंभ की गई और उसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आए हैं।
मुझे लगता है जब ICICI जैसे संस्थान इन सब कार्यक्रमों के साथ जुड़ते हैं तो यह गति और तेजी के साथ आगे बढ़ती है। और आज यहां पर मैं देख रहा था कि दो प्रकार के जो पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं, दैनिक जीवन में भी हम लोग बहुत सारे क्षेत्रों में इस प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकते हैं। और मैं ICICI फाउंडेशन से इस बारे में कहूंगा कि प्रदेश ने इस दौरान जो उपलब्धियां हासिल की, हम लोगों ने 5 लाख से अधिक अपने प्रदेश के युवाओं को स्किल मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षित किया, 2,70,000 से अधिक अपने युवाओं को प्लेसमेंट भी हम लोगों ने इस दौरान करवाया, हमारे रोजगार मेले सफलतापूर्वक पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरीके से लग रहे हैं और प्रारंभ हुए हैं, ये अपने आप में प्रदेश के नौजवानों के लिए प्रोत्साहन का एक बहुत अच्छा माध्यम है। हम लोगों ने इस दौरान प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के लिए भी माहौल तैयार किया और विगत 2 वर्ष के दौरान अकेले उत्तर प्रदेश में 1,00,000 करोड़ से अधिक के निवेश के प्रस्ताव हम लोगों ने व्यवहारिक धरातल पर उतार करके प्रदेश के विकास को जहां आगे बढ़ाया है, वहीं साथ ही साथ प्रदेश के अंदर अभी 8 मार्च को प्रधानमंत्री जी के द्वारा लगभग 75,000 करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं का शुभारंभ, जो प्रदेश के अंदर निवेश और उसके माध्यम से आने वाले रोजगार के लिए नई संभावनाओं को भी आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इन सबसे अलग भी हम लोगों ने सरकारी नौकरियां भी दी। इस दौरान लगभग 2,25,000 से अधिक सरकारी नौकरियां भी हम प्रदेश के युवाओं को उपलब्ध कराए। लेकिन 2 बड़ी अच्छी योजनाएं हम लोगों ने प्रदेश के अंदर चलाई। एक प्रदेश के परंपरागत उत्पाद को उसकी मैपिंग हो, उसकी मार्केटिंग और उसकी ब्रांडिंग हो सके, इस जिससे हम लोगों ने पूरे प्रदेश के अंदर जो कार्यक्रम चलाए उसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आए हैं। और इस वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की इस अभिनव योजना से उत्तर प्रदेश का जो परंपरागत उत्पाद था, अलग अलग जिले की अलग अलग उत्पाद को लेकर के इस क्षेत्र में युवाओं को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के साथ जोड़ करके, डिजिटल इंडिया के साथ जोड़ करके, प्रधानमंत्री स्टार्टअप और प्रधानमंत्री स्टैंडअप योजना के साथ जोड़ करके प्रदेश में भी हम लोगों ने इस प्रकार की योजनाएं प्रारंभ की। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना आदि के माध्यम से भी प्रोत्साहन की ढेर सारी योजनाएं इसके साथ जोड़ करके जहां आगे बढ़ाने का कार्य किया, वहीं साथ ही साथ यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से जो युवा आगे बढ़ना चाहते थे, ऐसे 78,000 से अधिक युवाओं को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से रोजगार के लिए धनराशि उपलब्ध कराने या उन्हें बिना गारंटी के लोन की सुविधा उपलब्ध कराने की कार्रवाई भी प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक की। प्रदेश के अंदर इन सब कार्यों को अक्सर होता है कि हर व्यक्ति बड़ा कार्य ढूंढने का प्रयास करता है और छोटे कार्य को नजरअंदाज करता है, जबकि किसी भी बड़े कार्य को आगे बढ़ाने के लिए छोटे स्तर पर उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना, सफलतापूर्वक उन्हें आगे बढ़ाने की कला हम सब के लिए आवश्यक है। और उस दृष्टि से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर अपने परंपरागत रूप से गांव के अंदर या शहरों के अंदर भी आप देखते होंगे कि बहुत बड़ी वर्कफोर्स हमारे पास ऐसी है जो अपने परंपरागत कार्यों के साथ जुड़ी हुई है, उनके पास यानी उनके DNA में स्किल है लेकिन उसको मंच नहीं मिल पाता। एक नाव है, एक मोची है, एक धोबी है, गांव का लोहार है, गांव का बढ़ई है, गांव का सोनार है, गांव का हलवाई है, या जो भी इस प्रकार के परंपरागत कार्यों के साथ जुड़े, पीढ़ी दर पीढ़ी सब चली आती है।
लेकिन उनके लिए आज तक कोई कार्य नहीं हो पाया था। अभी 24 जनवरी 2019 को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर एक योजना चलाई, इस परंपरागत कार्यों के साथ जुड़े हुए लोगों का एक प्रशिक्षण हो, प्रशिक्षण के दौरान उन्हें निश्चित मानदेय दिया जाए और फिर किसी न किसी योजना के माध्यम से उन्हें स्वावलंबन की ओर अग्रसर करके उनके लिए उचित मंच भी उन्हें प्रदान कर दिया जाए। अगर एक गांव का या शहर में एक नाव जो चौराहे पर बैठ करके जमीन पे बैठ करके लोगों के बाल बनाता है, अगर उसका उचित प्रशिक्षण और उसको टूल किट उपलब्ध करा करके और उसको हम सस्ते दाम पर या बिना गारंटी के लोन की सुविधा उपलब्ध करा करके उसका अच्छा सैलून बना दें, तो जो आज उसको 1 रुपया 2 रुपया लोग देते हैं, कल जब सैलून में लोग जाएंगे स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा, उसका सम्मान भी बढ़ेगा और वही व्यक्ति अपना पूरा पैसा भी लेगा और साथ साथ सम्मान के साथ अपने साथ अन्य लोगों को भी रोजगार के साथ जोड़ सकता है। ऐसे अनेक कार्य हैं, ये जितने भी कार्य हैं, यह ग्राम स्वराज की अवधारणा को पूरी तरह चरितार्थ करता हुआ दिखाई देता था। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे लोगों ने खेती बाड़ी से मुंह मोड़ा, उसके बाद लगातार इन परंपरागत कार्यों के साथ जुड़े हुए लोग उपेक्षित महसूस करने लग गए, अपमानित महसूस करने लग गए, मजबूरी में इस कार्य को उन्होंने अपनाया, जबकि इस कार्य में भी बहुत संभावनाएं थी। दूसरा, मैं इस फाउंडेशन से इस बारे में भी कहूंगा कि हमारे यहां बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जिसको सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ाना चाहती है, लेकिन उसमें उस प्रकार के यूथ उसको नहीं मिल पाते। जैसे पाइप पेयजल योजना हम लागू करना चाहते हैं प्रदेश के अंदर और बहुत बड़ी मात्रा में कार्य प्रारंभ हो रहा है। हमारी समस्या क्या है कि हमारी पाइप पेयजल योजना कहीं हम लागू करते हैं, जिस ग्राम पंचायत में लागू करते हैं सरकार पैसा खर्च करती है, गांव तक पानी पहुंचाती है, गांव तक सारी सुविधा उपलब्ध कराती है, लेकिन वो पाइप कहीं फट गया या कहीं उसमें खराबी आ गई तो एक भी व्यक्ति के पास स्किल नहीं कि वह फिर उसको ठीक कर सके। प्लम्बर की ट्रेनिंग, एक गांव या एक न्याय पंचायत में एक प्लम्बर बेहतर तरीके से सम्मानजनक तरीके से अपनी आजीविका को आगे बढ़ा सकता है और साथ साथ वह शहरी क्षेत्रों में भी आप देखते होंगे कहीं पाइप फट जाता है, टूट जाता है, कोई ठीक करने वाला नहीं, पानी गिर रहा है, कोई उसको पूछने वाला नहीं और फिर हर एक व्यक्ति उससे परेशान होता है, किसी के कपड़े भीगते हैं, किसी को उस पानी में स्वयं को स्वयं ही उसको डूबना पड़ता है, बहुत ऐसी स्थिति पैदा होती है। मुझे लगता है कि इस प्रकार के केंद्रों में जो स्किल डेवलपमेंट से जुड़े हुए जो केंद्र हैं, इस प्रकार के केंद्र अगर इन छोटे कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम तैयार करके उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य करें, जैसे यहां पे इलेक्ट्रीशियन का आपने किया, इलेक्ट्रीशियन का कार्य बहुत महत्वपूर्ण कार्य है और महत्वपूर्ण कार्य इसलिए भी जब सौभाग्य योजना में हर परिवार को विद्युत कनेक्शन अनिवार्य सरकार ने कर दिया हो, हम लोगों ने प्रदेश के अंदर विगत एक वर्ष के दौरान 1 करोड़ से अधिक परिवारों को विद्युत के कनेक्शन दिए हैं, प्रदेश के अंदर 1.5 लाख से अधिक मजदूरों तक विद्युतीकरण का कार्य हम लोगों ने विगत 1.5 वर्ष के दौरान किए हैं, अब वहां पर किसी को अपने घर में बिजली की लाइन लगानी है, अच्छे इलेक्ट्रीशियन नहीं होंगे समस्या आएगी। हम लोगों को बड़े आयोजन करते समय हमेशा इस बात का हम ध्यान रखते हैं, बहुत अच्छे ढंग से कार्यक्रम सफल संपन्न होता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रीशियन अच्छा नहीं है, ट्रेंड नहीं है, दक्ष नहीं है, तो अक्सर वहां पर कोई ना कोई फॉल्ट होता है और उसके बाद बड़ी दुर्घटना घटित होती है, आगजनी की बड़ी बड़ी घटनाएं घटित होती हैं, फिर लोगों के पास बहुत सारे बहाने होते हैं। हम इन कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों के जीवन में एक नया रोशनी ला सकते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने हर परिवार को रसोई गैस का कनेक्शन उपलब्ध करा दिया है और हर एक परिवार के लिए सरलता से रसोई गैस का कनेक्शन हर गरीब को निःशुल्क मिल रहे हैं और शेष परिवार भी आसानी से रसोई गैस के कनेक्शन ले सकते हैं, लेकिन रसोई गैस का कनेक्शन मिल जाना अलग विषय है,
लेकिन इसके तकनीक जो टेक्नीशियन है उन टेक्नीशियन को इसके क्षेत्र में दक्ष करना कि भाई रसोई गैस का सिलेंडर कोई व्यक्ति अपने घर में ले रहा है तो रसोई गैस का सिलेंडर और चूल्हे के बीच में दूरी क्या होनी चाहिए, रसोई गैस का सिलेंडर नीचे हो चूल्हा ऊपर होना चाहिए, कहीं से लीक हो गया तो उस समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए, सिलेंडर यानी जब आप चूल्हा जला रहे हैं एलपीजी का तो कैसे उसको जलाना है, इन सब छोटे छोटे कार्यों को लेकर के अगर ये टेक्नीशियन जाकर के गांव गांव में घर घर में इस बात को बता दें बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं को बड़ी बड़ी आगजनी की घटनाओं को हम रोक सकते हैं। लेकिन अभी उतनी बड़ी मात्रा में हम लोग टेक्नीशियन दे नहीं पाए हैं, उस प्रकार के योग्य शख्स तकनीक प्रदान करने वाले उस प्रकार के युवा अगर समाज के बीच में आ जाए तो बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। एक तरफ समाज में युवाओं का एक बड़ा वर्ग है जो रोजगार के लिए भटकता है और दूसरी तरफ अच्छे और दक्ष नौजवान किसी भी क्षेत्र के उसकी कमी हर एक फील्ड में देखने को मिलती है। मेरा ये कहना है कि अयोग्य कोई नहीं, अयोग्यो पुरुषो नास्ति योजकः तत्र दुर्लभः, यानी अयोग्य कोई नहीं हो सकता, सत्य अच्छे योजक मिल जाए और अच्छे योजक में स्किल इंडिया का जो मिशन चला है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कारण, इसमें आईसीआईसीआई बैंक जिस भूमिका का निर्वहन कर रहा है सराहनीय है और मुझे पूरा विश्वास है कि उन परंपरागत कार्यक्रमों को अगर हम लोग लेंगे जो वास्तव में लोगों को अपने परंपरागत पेशे के साथ जोड़ता हो या जो आज लोगों की आवश्यकता है, पेयजल लोगों की आवश्यकता आज भी है आगे भी रहेगी, रसोई गैस का कनेक्शन लोगों की आज भी आवश्यकता है आगे भी रहेगी, ऐसी तमाम चीजें जो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का हिस्सा बन सकता है, हम सब इस प्रकार के पाठ्यक्रमों में लोगों को इस प्रकार के छोटे छोटे कार्यक्रम हम लोग अगर बना सके और युवाओं को उसमें दक्ष कर सके, आठवीं पास करने के बाद अगर वो व्यक्ति पढ़ लिख नहीं सकता केवल उसको हम इसके क्षेत्र में ट्रेनिंग करा दें और एक मोहल्ला को एक वार्ड को एक या दो ग्राम पंचायत को या न्याय पंचायत को कवर कर सकता है, लोगों के साथ बन सकता है, उसकी ड्यूटी ये हो कि वह प्रतिदिन जाकर के केवल प्रत्येक घर में इस बात को देखे कि रसोई गैस के चूल्हे ठीक हैं या नहीं है या किसी को कोई समस्या तो उसकी ड्यूटी ही हो और प्रत्येक घर अगर कुछ भी पैसा उसके साथ बांध दें 10 रुपया 15 रुपया कुछ भी दे दें और 300-400 घर अगर उसके साथ जुड़ जाते हैं तो आप ये मान करके चलिए कि महीने में उसको 5,000-10,000 रुपये आराम से प्राप्त हो सकते हैं, अलग अलग फील्ड में अलग अलग कार्यों के लिए मिल सकते हैं। आज आपको अच्छे सुरक्षा गार्ड नहीं मिलते, आप चले जाइए अच्छे और दक्ष सुरक्षा गार्ड नहीं मिल पाते हैं। अगर ट्रेनिंग के उचित कार्यक्रम हो कब उन्हें क्या करना है कौन सी सावधानी बरतनी है तो अच्छे अच्छे संस्थानों में, अब तो बड़े बड़े माल बन रहे हैं, बड़े बड़े संस्थान बन रहे हैं निजी क्षेत्र में या सरकारी क्षेत्र में, बहुत सारे कार्यालयों में या उनके संस्थानों में सुरक्षा गार्ड की आवश्यकता महसूस होती है, वहां पर उनकी सेवाएं दी जा सकती हैं। तो क्षेत्र बहुत विशाल है, विराट है, हम उस दिशा में प्रयास करें। मैं आईसीआईसीआई बैंक को, फाउंडेशन को गोरखपुर में एकेडमी स्थापित करने के लिए हृदय से साधुवाद देता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि जिन युवाओं को यहां पर आप प्रशिक्षित कर रहे हैं ये सभी युवा प्रशिक्षित हों, अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद हम इन सभी युवाओं को प्लेसमेंट की भी व्यवस्था कर सकें, अच्छा हो। मुझे लगता है कि इनके स्किल का उपयोग समाज तभी कर पाएगा जब इनके प्लेसमेंट के लिए उचित व्यवस्था हो और उस प्लेसमेंट के लिए भी मुझे लगता है इस प्रकार का फाउंडेशन अगर एक बार थोड़ा भी प्रयास कर ले तो बहुत बड़ा कार्य हो सकता है और युवा की ऊर्जा का उपयोग समाज निर्माण राष्ट्र निर्माण में करना अपने आप में बहुत पुण्य का कार्य है। आप सबको मैं शिवरात्रि की हृदय से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद।